सर स्टार्ट हो गया हो गया स्टार्ट चलो वीडियो बनाते हर छोटी सी छोटी डाउट के लिए कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी मेरे लिए भी यहाँ पे दो चीज होता है एक आप अपना डाउट क्लियर करेंगे मैं नया कुछ सीखूंगा ठीक है तो कमेंट जरूर करें ओके तो पिछले दो दिन से आप फर्टिलाइजर्स के बारे में मेरे से सुन रहे हो समझ रहे हो मैं भी बता रहा हूं बहुत सारा इंफॉर्मेशन शेयर हुआ है और धीरे 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 हम लोग और थोड़ा समझ रहे हैं बात ठीक है तो पहले हमने समझा कि फर्टिलाइजर्स का जरूरत क्या है फिर हमने देखा कि एडीए का कौन से फर्टिलाइजर्स है आज हम देखने वाले हैं कि फर्टिलाइजर्स को कब डालना चाहिए और कितना डालना चाहिए और प्लांट्स में कौन से प्रॉब्लम्स जब नजर आएंगे तो कौन से फर्टिलाइजर्स डालना चाहिए सो सिंपल से बताऊं तो कुछ बहुत साल पहले एक जस्टिस लेबिग करके एक जर्मन साइंटिस्ट ने ये बोला था और उन्होंने प्रूव भी किया था कि इफ वन ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट्स इज डिफिशियंट देन द प्लांट ग्रोथ विल बी पुअर इवन व्हेन ऑल द अदर न्यूट्रिएंट्स आर इन अबंडेंस इसका हिंदी का तात्पर्य यह है या मतलब यह है कि अगर कोई एक फर्टिलाइजर कम हो गया लेकिन बाकी के फर्टिलाइजर सब अधिक या करेक्ट मात्रा में है तब भी प्लांट ग्रोथ कम होगा थोड़ा कंफ्यूजिंग है चलो और आसान तरीके से समझाता हूं आप अभी शाम को खाना खाने बैठेंगे खाने में होगा रोटी दाल सब्जी कुछ और भी फरजान वगैरह अचार लेकिन लेकिन उनमें से जितने भी पकवान है उनमें नमक नहीं है तो वो खाना अच्छा होगा मजा नहीं आएगा ना सेम वे अगर हम एक्वेरियम में प्लांट्स के लिए समझो सब फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं लेकिन एक फर्टिलाइजर कम है या नहीं डालते तो ऑटोमेटिक प्लांट ग्रोथ कम हो यही बात हमारे जर्मन भाई साहब लेबिग ने समझाया ठीक है सिंपल सा बात है तो आप जब फर्टिलाइजर डालते हो ये समझना और जानना बहुत जरूरी है कि प्लांट्स को क्या जरूरत है और कितना जरूरत है अगर ये बात हमने नहीं समझा तो आप कोई भी फर्टिलाइजर डालो फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है आपका प्लांट ग्रोथ कम ही होगा एडीए जैसी कंपनी ने या कोई भी दूसरे बड़े ब्रांड्स के कंपनियों ने ये प्रिंसिपल समझ के ये लेबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम्स समझ के फर्टिलाइजर्स का निर्माण किया या प्रोड्यूस किया या आपके लिए बनाया आज मैं ये वीडियो के जरिए आपको यही बात समझाने वाला हूं कि जब कोई प्लांट में एक तकलीफ हो तो कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए मेरे पास एडीए के फर्टिलाइजर्स है तो मैं दिखा रहा हूं लेकिन याद रखिए जब मैं बोलूंगा नाइट्रोजन तो आप आपकी मर्जी है कि आप कोई भी ब्रांड का या आपके भरोसेमंद ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करें
ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही यूज करना है। हाँ, एडीए में क्या है, सब प्रोडक्ट्स एक दूसरे के साथ एक बैलेंस में काम करने के लिए बनाया गया है, लेकिन आपको जो प्रोडक्ट सबसे कंफर्टेबल लगता है आप वो इस्तेमाल करें। तो पहले ये समझते हैं कि फर्टिलाइजर कितना डालना चाहिए। अभी हर बॉटल पे, आप कोई भी ब्रांड का फर्टिलाइजर ले, हर बॉटल पे एक मेजरमेंट होगा। जैसे ज्यादातर एडीए के बॉटल्स में 1 ml फॉर 20 लीटर्स करके लिखा होगा। ये कहां तक करेक्ट है, ये सिर्फ मेरा मानना है, मेरे एक्सपीरियंस से ही मैं आपको बता रहा हूं। अलग लोगों का अलग ओपिनियन होगा, लेकिन ये बात जो मैं बोलने वाला हूं ना, आप थोड़ा समझे। अभी पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग पानी मिलता है कि नहीं? ये पानी में अलग अलग मात्रा में मिनरल्स होंगे। कुछ जगहों में सर्टेन मिनरल्स नहीं होंगे, कुछ जगहों में वही मिनरल बहुत ज्यादा होगा। और बॉटल के ऊपर तो लिखा है 1 ml फॉर 20 लीटर्स ऑफ वाटर, और अगर हमने 1 ml फॉर 20 लीटर्स डाल दिया तो प्रॉब्लम हो सकता है ना। क्योंकि एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि समझो आपके पानी में आयन की मात्रा ज्यादा है, ओके, पानी में ही है, और हमने वो हिसाब किताब के तौर पे हमने आयन भी डाला, तो आयन की मात्रा ज्यादा हो गया और बाकी कम हो गए। तो लेबिग्स लॉ क्या कहता है कि अगर सब न्यूट्रिएंट ज्यादा है लेकिन कोई भी एक न्यूट्रिएंट कम हो गया तो फिर भी प्लांट ग्रोथ नहीं होगा। सेम चीज यहां पे भी होने वाला है, ठीक है। तो हमको थोड़ा बहुत ट्रायल एंड एरर करना ही है। वन ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आप अपना वाटर टेस्ट कर ले। बहुत सारे टेस्ट किट्स मिलते हैं, एडीए के भी हैं, बाकी कंपनीज के भी हैं। वाटर टेस्ट करें किस चीज की कितनी मात्रा में है आप समझ सकते हैं, या आप कोई बहुत ही टेक्निकल यू नो वाटर रिसर्च वहां जाके टेस्ट करा सकते हैं, वो सब आपकी मर्जी। तो कितना फर्टिलाइजर डालना है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, इज विथ ट्रायल एंड एरर। समझदारी से धीरे धीरे आप अपने एक्वेरियम में स्टार्ट करें, फिर देखें कि ये मात्रा सही है कि नहीं। सबसे सिंपल या बेस्ट फॉर्मूला जो मेरे को लगता है और मैं यूज करता हूं, समझो मैं 100 लीटर पानी का टैंक बनाने वाला हूं, तो कैलकुलेशन के हिसाब से मेरे को डालना है राइटी के और मिनरल, और रोज मेरे को ये डालना है 5 ml राइटी के और 5 ml मिनरल, ठीक है। तो अभी आप ये करेक्ट है पता नहीं ना, तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले 2-2 ml से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट 4-5 दिन टैंक स्टार्ट किया, फर्स्ट 4-5 दिन मैं 2-2 ml से स्टार्ट करता हूं, फिर 1-1 ml और बढ़ाता हूं, देखता हूं एल्गी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर 1-1 ml और बढ़ाता हूं, हफ्ता 4-5-8 दिन के बाद बढ़ाते जाओ। इसका ऑप्टिमम लेवल है 5-5 ml, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर 1-1 ml ज्यादा डाले कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, अगर आप बैलेंस ढूंढ सकते हो तो ये परफेक्ट होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप अपने हिसाब से बैलेंस ढूंढो। हमारे ऑफिस में, जो बॉम्बे के कुर्ला में जो ऑफिस है, यहां पे हम एग्जैक्ट सेम एडीए का प्रिस्क्राइब्ड
प्रोपोर्शंस ही डालते हैं बिकॉज हमको वो वर्कआउट हो गया है। आपको जैसे वर्कआउट होता है, आप कलकत्ता में बैठे हो, आप यूपी में बैठे हो, गुजरात में बैठे हो, चेन्नई में बैठे हो, केरला में बैठे हो, आप अपने हिसाब से करो। सेम प्रिंसिपल फॉर ऑल ब्रांड्स, ओके, फॉर ऑल फर्टिलाइजर्स आप यही प्रिंसिपल यूज कर सकते हो। स्टार्टिंग थोड़ा करो, नोट डाउन करो, ओके, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ होमवर्क, बट अगर आप सिस्टमैटिकली करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे प्लांट्स बेस्ट ग्रो होने के लिए कितना फर्टिलाइजर लगेगा। अब एक बार एक टैंक में समझ गए तो बाकी टैंकों में दैट होमवर्क विल बी वेरी लिटिल और समझदारी भी होगी। ओके, सो ये अगेन दिस आंसर्स द क्वेश्चन हमें फर्टिलाइजर कितना डालना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमें फर्टिलाइजर कब डालना चाहिए, ये हमने एक्चुअली पिछले पार्ट में भी कवर किया था, बट ब्रीफली मैं बताऊंगा। बेसिक फर्टिलाइजर्स जैसे पोटेशियम है और मिनरल्स है, वो हमें डालना है सुबह में लाइट्स ऑन, ओके, और अगर हमारे टैंक में एडिशनली आयरन या नाइट्रोजन का जरूरत है तो भी वो सुबह में डालें। और वही टैंक में अगर हार्ड वाटर है तो हम न्यूट्रल के डालेंगे। याद रखो ये एडीए का नया प्रोडक्ट है, पहला प्रोडक्ट है जो हार्ड वाटर के लिए पोटेशियम का जो फर्टिलाइजर है, ठीक है, और आप यूज करो ना, मिनरल यूज करना है या नाइट्रोजन यूज करना है, आयरन यूज करना है, अपने हिसाब से, ठीक है, बिकॉज आपने अभी धीरे धीरे सिस्टमैटिकली बना रहे ना एक हिसाब से। उसके अलावा हमें छोटा मोटा चीज और चाहिए होगा, ओके, जैसे कि ग्रीन बैक्टर प्लस रात को ऐड करेंगे बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए, ठीक है, पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए प्लांट्स का, और ओवरऑल सिस्टम में बैक्टीरिया ग्रोथ को एनहांस करने के लिए। या हम डालेंगे ईसीए, एडिशनल आयन होगा कलर के लिए, ऑल्सो इसमें मैग्नीशियम है विच विल प्रमोट फोटोसिंथेसिस, या और नहीं तो हम फाइटॉन किट डाल सकते हैं जनरल इम्यूनिटी के लिए। ये सब जो है ना प्लांट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डाल रहे हैं, ओके, तो नाउ थोड़ा फोकस ये टैंक पे करेंगे और कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। प्लांट्स का अगर लीव्स कलर चेंज होता है या उसमें स्पॉट्स आता है या उसमें होल्स आता है या उसमें डॉट्स आता है, डार्क ज्यादा ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन होता है, तो क्या डिफिशियंसी है और हमें कौन सा फर्टिलाइजर डालना होगा। फेयर, ठीक है, चलो प्लांट में डिफिशियंसीज होता है। जैसे बचपन में हमें बोलते थे ना कैरेट खाओ आंख अच्छा रहेगा, विटामिन डिफिशियंसी, ठीक है, सेम थिंग प्लांट्स में भी होता है, ठीक है, उनमें भी आयरन का डिफिशियंसी, मैग्नीशियम का डिफिशियंसी, पोटेशियम का डिफिशियंसी, ये सब रहता है। और जब डिफिशियंसी होता है तो प्लांट में उसका असर दिखता है। ठीक है, तो हम बेसिक जो डिफिशियंसीज दिखता है ना प्लांट का, हम लोग वो डिफिशियंसी क्या है समझेंगे, लीव कैसे दिखेगा समझेंगे या प्लांट कैसे दिखेगा समझेंगे, और उसके लिए कौन सा फर्टिलाइजर काम आता है वो भी समझेंगे। ठीक है, मैं फिर से याद दिला दूं, मेरे पास एडीए के फर्टिलाइजर्स है तो इसलिए मैं ये एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूं। आपको पूरी छूट है कि आप अपना जो भरोसेमंद फर्टिलाइजर है वो आप यूज करें, ओके, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। अगर नया लीफ आता है, छोटा सा नया लीफ, ओके, प्लांट में से अगर आ रहा है और वो व्हाइटिश या येलोइश है और उसके जो वेन्स है ना डार्क ग्रीन है, तो मतलब उसमें आयरन की मात्रा कमी है या आयरन की डिफिशियंसी है। और आयरन की डिफिशियंसी के लिए हम रोज
आयन ऐड कर सकते हैं या रात को थोड़ा ईसी ऐड कर सकते हैं। तो इन दोनों में से आप कोई एक यूज कर सकते हो आपके हिसाब से, या कोई भी फर्टिलाइजर जिसमें आयन हो आप वो ऐड कर लें। हाँ, अगर आपका नया लीव पूरा क्रिंकल्ड या क्रम्पल्ड या मुरझा हुआ ओके और ग्रीनिश है और ग्रोथ स्टंटेड है, ठीक है, तो मतलब उसका कैल्शियम डिफिशियंसी, कैल्शियम ऑलरेडी आपको मिनरल्स में है, ठीक है, तो अगर आप डेली पोटेशियम और मिनरल जो डेली डोज कर रहे हैं वो अगर आप डेली करेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप डेली डोज कर रहे हो फिर भी वो लीफ में प्रॉब्लम आ रहा है तो मतलब आपका डोसेज कम है। अभी नेक्स्ट है, अगर आपका एग्जिस्टिंग लीफ का जो आउटर पोर्शन है वो येलोइश हो जाता है और लीफ के अंदर पैचेस आते हैं, येलो पैचेस, ठीक है, तो मतलब पोटेशियम का डिफिशियंसी, तो ब्राइटी के या न्यूट्रल के दोनों में पोटेशियम है, ठीक है, ये सॉफ्ट वाटर के लिए, ये हार्ड वाटर के लिए, तो अपने हिसाब से पोटेशियम की मात्रा चेक करें। अगर आपके प्लांट में ऊपर के जो लीव्स है ठीक है वो येलोइश है और बीच के जो लीव्स है उसके बीच वाले जो और या उसके नीचे वाले जो है वो लीव्स लाइट ग्रीन है और उसके भी नीचे वाले लीव्स मुरझाए हुए हैं और पूरा येलो हो जाते हैं तो मतलब नाइट्रोजन का डिफिशियंसी। नाउ अगर नीचे की तरफ जो बड़े लीव्स होंगे ना ओके उसमें अगर फिर से होल्स हो, पैचेस हो या पूरे के पूरे होल हो, ठीक है, तो मतलब यूजुअली मैंगनीज का डिफिशियंसी, और मैंगनीज अगेन आपको ब्राइटी के और मिनरल में मिल जाएगा, ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन करेक्ट होना इंपॉर्टेंट है। अभी समझो आपका जो पत्ता है ना उसके ऊपर पूरा ऊपर की तरफ व्हाइटिश है बीच में और थोड़ा मुरझाया हुआ, यू नो लाइफलेस जैसे बोलते हैं ना, अगर वैसे दिखता है तो उसमें प्रॉब्लम यूजुअली है कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड ठीक से नहीं दे रहे हो। वो सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि वाटर हार्डनेस भी ज्यादा हो, तो वो सिचुएशन में आप यूज करें सॉफ्ट वाटर या न्यूट्रल के और सॉफ्ट वाटर का कॉम्बिनेशन। तो अभी प्लांट का नीचे के तरफ में बड़ा पत्ता जो रहता है यूजुअली, ठीक है, अगर वो बड़ा पत्ता ठीक है बाहर से पूरा येलो हो रहा है लेकिन उसका वेन्स डार्क ग्रीन है तो मैग्नीशियम डिफिशियंसी हो सकता है, और मैग्नीशियम डिफिशियंसी के लिए अगेन मिनरल्स या ECA, दोनों में से कोई एक आप स्टार्ट करें। अगेन ECA है तो रात में, मिनरल्स है तो वैसे ही सुबह में। हाँ, अगर आप ऑलरेडी मिनरल्स डाल रहे हो तो उसकी मात्रा करेक्ट है या नहीं है वो जरा जांच लें, चेक करें। ज्यादातर प्लांट्स में आप देखेंगे कि जब स्टेम लंबा होता है ठीक है तो एक लीफ और दूसरे लीफ के बीच में हम लोग जनरली बोलते हैं नोडल डिस्टेंस, एक नोड से एक नोड अगर गैप ज्यादा हो ठीक है तो मतलब आपका लाइट कम है, आपको थोड़ा लाइट बढ़ाना है। अगर आप लाइट बढ़ाएंगे तो वो नोडल डिस्टेंस कम होगा और प्लांट ज्यादा बुशी होगा। जब आप प्लांटेड टैंक नए से स्टार्ट करते हो ठीक है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूट ग्रोथ, और रूट ग्रोथ के टाइम चाहिए अलग मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ट्रेस एलिमेंट्स, ये सब रूट ग्रोथ बढ़ाता है। अगर कोई कारणवश डोसेज ज्यादा हो गया और एल्गे स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो बेस्ट मेथड है पूरा डोसेज बंद करो, चार पांच दिन के लिए लाइट भी ऑफ कर दो, सब कुछ बंद, सिर्फ फिल्टर चलना चाहिए ठीक है, और जितना कम फीड डाल सकते हो मच्छी के लिए उतना कम खाना डालें,
और चार पांच दिन के बाद आप फिर से जीरो से स्टार्ट करें। ओके, ये ब्लैकआउट मेथड बोलते हैं हम लोग, सिंपल मेथड है, ठीक है। हाँ, अगर थोड़ा थोड़ा आगे, बिकॉज आपने मच्छी को खाना ज्यादा डाला है, थोड़ा यू नो वो फॉस्फेट बढ़ गया, तो ये जो क्लियर वाटर है ना, ये बहुत काम आता है। प्रिस्क्राइब डोसेज समझ के देख के आप यूज करें। तो जनरली इंक्रीज्ड फूड रिलेटेड एल्गे, जैसे हेयर एल्गे हो सकता है, ये सब कम हो जाएगा। जनरली प्लांट ग्रोथ के लिए आइडियल यूसेज ये फाइटोनिट का रेगुलर यूज करें, बिकॉज वो जनरल इम्यूनिटी बढ़ाता है, प्लांट्स को स्ट्रेंथ देता है। ग्रीन गेन जब आप ट्रिमिंग करते हो तो ग्रीन गेन यूज करना अच्छा है। जब आप वाटर चेंज करते हो लेकिन ट्रिमिंग नहीं किया, तभी भी ग्रीन गेन यूज करें, बिकॉज ग्रीन गेन प्लांट्स को डी-स्ट्रेस करता है। इसमें एडिशनल बोरॉन है जो रूट को स्ट्रेंथन करता है, बहुत जरूरी चीजें ही है। तो फाइनली मैंने जो जो मेरे को याद आए ना, डिफिशियंसीज वगैरह, तो मैंने आपको बताया है। बट हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट्स में लिखिए और मैं जरूर उसका सलूशन बताऊंगा, ठीक है। अगले पार्ट में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले वीडियो में, हम एस्टिमेटिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, EI मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो वीडियोस देखते रहें, मिस ना करें। Okay.